क्रिसमस में प्यारे भाई और बहनों, आप सबों को जय यीशु। जब हम उपवास काल के बारे में सोचते हैं, तो ट्रेडिशंस हमें सिखाते हैं कि उपवास काल में हमें तीन चीज हमेशा करनी चाहिए। पहला प्रार्थना, दूसरा फास्टिंग या उपवास, और तीसरा दान देना। आइए आज के दिन हम प्रार्थना के बारे में मनन चिंतन करें। रोमियो के नाम पत्र अध्याय 12 पद संख्या 12 में संत पौलुस हमसे कहते हैं, आशा आपको आनंदित बनाए रखे, आप संकट में धैर्य रखे तथा प्रार्थना में लगे रहे। हमें संत पौलुस हमेशा अपने पत्र में लिखकर बताते हैं, हमेशा हमें प्रार्थना में रहना चाहिए। तसलोनियों के नाम पहला पत्र अध्याय 5 पद संख्या 17, निरंतर प्रार्थना करते रहे। ये प्रार्थना करना, इसका अर्थ क्या है? संत जॉन पॉल सेकंड हमसे यह कहते हैं, किसी भी तरह प्रार्थना करो, किसी भी टाइप के प्रेयर करो, बस तुम प्रेयर करो। हम प्रभु को प्यार से देखें, यह भी एक प्रार्थना है। हम कुछ वचन रीड करें, उसके ऊपर मनन चिंतन करें, यह भी प्रार्थना है। मन खोलकर प्रभु से बात करें, यह भी प्रार्थना है। अपने दुख और अपने संकट को प्रभु के सामने रखे, रोते हुए प्रभु के सामने बैठे, यह भी प्रार्थना है। इस तरह हमें प्रार्थना के कई तरीके हैं, जिससे हम अपनी आत्मा को प्रभु के सामने रख सकते हैं। फिलिपियों के नाम पत्र अध्याय 4 पद संख्या 6 में संत पौलुस फिर से हमसे यही बात कहते हैं, किसी बात की चिंता ना करें, हर जरूरत में प्रार्थना करें और विनय तथा धन्यवाद के साथ ईश्वर के सामने अपने निवेदन प्रस्तुत करें। अपने निवेदन प्रभु के सामने रखना, अपनी जरूरतों को प्रभु के सामने रखना, उसके लिए आशीष मांगना, यह सब प्रार्थना है। अब हम प्रार्थना क्यों करें? इस उपवास काल में हम यह कोशिश करते हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा हम प्रभु के निकट आ जाए और प्रभु जैसे बने। प्रार्थना के द्वारा हम प्रभु से एक वार्तालाप करते हैं, एक कांटेक्ट रखते हैं, जिससे हम प्रभु के साथ एक लविंग रिलेशनशिप रख सकते हैं। हमारा प्रभु के साथ जो नाता है वो और गहरा हो सकता है। अगर हमें प्रभु की इच्छा पूरी करनी हो तो उसके लिए भी हमें शक्ति चाहिए। अगर हमें प्रभु को समझना हो तो हमें प्रभु के साथ बैठना है। अगर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से प्यार करता है, उसका सबसे बड़ा साइन यह है कि वह व्यक्ति तुम्हारे लिए समय देता हो, तुम्हारी हर बात को सुनता हो। उसी प्रकार अगर हम प्रभु से प्रेम करते हैं, प्रभु को अपने जीवन का नाथ मानते हैं, तो हमें भी प्रभु के साथ समय बिताना है। हमें भी प्रभु के पास बैठना है, उनके बारे में सुनना है, सोचना है, समझना है और उन्हें जानना है। इस उपवास काल में हम कई तरीके से प्रार्थना कर सकते हैं। कई लोग मिसा अटेंड करते हैं घर में या फिर गिरजा जाकर, कई लोग प्रार्थना करते हैं, फैमिली प्रेयर करते हैं, रोजरी माला कहते हैं, या फिर क्रूस का रास्ता करते हैं, या फिर बाइबल पढ़कर मेडिटेशन करते हैं। यह सब प्रार्थना का एक तरीका है। आइए इस उपवास काल में हम अपने ईश्वर के साथ, हम अपने प्रभु के साथ अपने रिश्ते को गहरा करें और इसके लिए ज्यादा समय प्रार्थना में लगाएं। एटलीस्ट दिन के 24 घंटों में से 10 मिनट तो हम प्रभु को दे ही सकते हैं। अगर हम देखें एक 24 घंटे के 10%, इतना तो हमें प्रभु को देना ही होता है, लेकिन वह भी हम नहीं दे पाते हैं। तो एटलीस्ट 10 मिनट्स हम अपने पर्सनल लाइफ में ज्यादा फोकस करेंगे, जहां पर हम प्रभु के साथ वार्तालाप करें और अपने जीवन को हर दिन हर क्षण प्रभु को समर्पित करते रहे। अगर हम रोज प्रार्थना करें, निरंतर प्रार्थना करें, तो जिस तरह बैटरी हमेशा चार्जिंग में रखी जाती है चार्ज होने के लिए, उसी प्रकार हमारी आत्मा भी प्रभु की शक्ति से, पवित्र आत्मा से चार्ज होती रहेगी। आइए हम आज के दिन के लिए वचन ले
तसलोनियों के नाम पहला पत्र अध्याय 5 पद संख्या 16 से 18 तक। यह बहुत छोटे छोटे वाक्य है, आइए इस वाक्य को हम पढ़ेंगे। आप लोग हर समय प्रसन्न रहे, निरंतर प्रार्थना करते रहे, सब बातों के लिए ईश्वर को धन्यवाद दे, क्योंकि ईसा मसीह के अनुसार आप लोगों के विषय में ईश्वर की इच्छा यही है। प्यारे प्रभु जी, निरंतर प्रार्थना करने की एक कृपा हमें दीजिए, ताकि जीवन के हर क्षण हर पल में हम आपके साथ रहे, आपसे शक्ति ग्रहण कर आपको अधिक प्यार करें। यही प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर, आमीन। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन।